ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार, यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के प्रकाश को जब हम सही तर्क से समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट नजर आती हैं। गीता में ऐसे कई सारे तथ्य हैं जिनको सिर्फ पढ़ लेने से या फिर उन्हें रट लेने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि एक जीवन का शास्त्र है। परमात्मा जो शिक्षा देते हैं वो हमारे जीवन में धारणा के लिए और उसे अप्लाई करने के लिए है। आइए गीता से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में आज भी बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन लोगों ने किया है, हर समय पर लोग पढ़ते भी हैं, कुछ लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस चीज का अध्ययन भी करते हैं। गीता को एक कथा के रूप में, एक कॉन्वर्सेशन के रूप में सुना जाता है, यहाँ दो लोग आपस में बातचीत करते हुए दिखाए जाते हैं और भगवान जैसे अर्जुन को यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, उनको शिक्षाएं दे रहे हैं। सिर्फ शिक्षाएं नहीं, कहीं कहीं ऐसी भी बातें हैं जहाँ पर वो किसी रहस्य का पर्दाफाश कर रहे हैं, ये भी चीज़ देखने को मिलता है। ऐसी ही एक मिलती जुलती बात जहाँ पर दो लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और वहाँ पर कोई गहन रहस्य की चर्चा हो रही है, वो है अमर कथा। और ये सुनने को मिला है, लोग जानते भी हैं कि शिव ने अमर कथा सुनाई। अब इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न उठता है कि अगर शिव ने अमर कथा सुनाई तो वो कथा कहाँ है आज। दूसरा एक और प्रश्न उठता है कि शिव ने अगर पार्वती को अमर कथा सुनाई तो हम समझते हैं कि वो हिमालय में किसी गुफा में बैठ के सुनाई ताकि दूसरे लोग नहीं सुन सके। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बट इस अमर कथा के बारे में आप अपने कुछ विचार रखिए। अब आप देखिए कि भगवद गीता भगवान ने सुनाई, उसको शास्त्र के रूप में ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के मान्यताएं, फेस्टिवल, जीवन से संबंधित बातें, अनेक प्रकार के उसके स्मारक मिलते हैं। कोई यहाँ मिलता है, कोई वहाँ मिलता है, लेकिन उसको कोई लिंक करने बैठे तो आपको इतना उसमें से खुशी होगी कि एक नया रहस्य उद्घाटन हो गया। और उसके अंदर जो जिन्होंने गीता के स्मारक बनाने में जो त्रुटियां की हैं तो आप गौर से देखेंगे तो त्रुटियां भी वहां मिल जाएंगी। अब जैसे अमर कथा की बात, शिव को अमरनाथ कहते हैं, क्यों अमरनाथ कहते हैं? शिव ने अमर कथा सुनाई। अगर आप इसको गीता से कंपेयर करें तो 100% वो बात मिलती है कि शिव परमात्मा ने ऐसी कथा सुनाई जिससे मनुष्य को हर को एक को आभास हो गया कि मैं अमर अमरनाथ अर्थात अमर कथा सुनाने वाला। और इससे पहले, गीता से पहले या बाद में किसी ने इस बात को नहीं बताया कि तुम आत्मा हो और आत्मा अमर है। छोटी सी बात है, आत्मा अमर है, आपका दृष्टिकोण ही एटर्नल हो गया, आप उस चीज़ को एब्जॉर्व करेंगे, ग्रहण करेंगे जो अविनाशी अनादि होगी, उसकी भेंट में विनाशी चीज़ को आप कहेंगे इसका तो फायदा ही नहीं है। अब एक तो शिव ने अमर कथा सुनाई, अच्छा दूसरी बात गुफा में सुनाई। तो कहा जाता है साधु लोग भी गुफाओं में तपस्या करते हैं, अर्थात ये ऐसी कथा है जो अंतर्मुखी होकर के व्यक्ति एकाग्र होकर सुन सकता है। पार्वती को सुनाई,
अब पार्वती को हिमालय की पुत्री कहते हैं। अब ये तो एक बात है कि ऊंची हिमालय ऊंचे से ऊंची चोटी है। अच्छा फिर क्या हुआ, अमर कथा सुनाई, एक वहाँ कबूतर है वो अमर हो गया। आज भी आप जाएंगे अमरनाथ की गुफा में आपको कबूतर मिलेगा, और वहाँ पर जो शिवलिंग बनता है उसको बर्फानी बाबा कहते हैं। तो कहते हैं कि नेचुरली बन जाता है, एक ऐसा गुफा के अंदर ऊपर छेद है जहाँ से बर्फ गिरते गिरते नीचे वो शिवलिंग का रूप ले लेती है। तो बहुत एक जिसको सुपर नेचुरल कहा जाता है उस तरह की चीज़ है, तो लोगों को और भी विश्वास हो जाता है। अमरनाथ की यात्रा एक बहुत बड़े पुण्य का काम माना जाता है, तो बहुत लोग संख्या में बड़ी दूर दूर से वहाँ जाते हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा फाउंडर ऑफ ब्रह्मा कुमारी वो भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी बताया था कि वहाँ क्या बात। लेकिन उससे समझ में आता है कि अगर अमर कथा सुनाई थी, गीता सुनाई थी, गीता तो किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है, अमर कथा कहाँ गई, है ना? क्या अमर कथा पार्वती के साथ ही खत्म हो गई और कबूतर अमर हो गया वहाँ? क्वेश्चन ये है। तो ये इससे इसको लिंक किया जाए तो ये भी एक गीता के भगवान द्वारा सुनाए हुए ज्ञान का एक स्मारक है। जैसे आप ये बात सुना रहे थे, जैसे आपने कबूतर की बात कही, और ये बड़ी ही रोचक बात कहानी में सुनाई जाती है कि परमात्मा शिव स्वयं अमर कथा सुना रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, और वहां पर ये बोला जा रहा है कि अब इम्पोर्टेंट बात को सुनते सुनते पार्वती जी सो जाती हैं और वो कबूतर हम करता रहता है और वो सुन के अमर हो गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर पता चलती है। एक, जब आपको बताया जा रहा है कि इसको सुनने से आप अमर हो जाएंगे तो क्या कोई व्यक्ति सो सकता है? चलिए उस बात को अगर मान भी लें कि भाई अगर सो भी गए, तो ये प्रश्न उठता है कि पार्वती जो स्वयं ऑलरेडी देवी हैं, उनको अमर कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, हाँ, इसका एक एक स्टेप आप देखेंगे तो आपको बड़ा वंडरफुल लगेगा। भगवान कह रहा है, अमर कथा सुना रहा है, उसका मतलब ये है कि आपके अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है, कौन सा एलिमेंट है वो जो अमर है। तो भगवान ने अमर कथा, शिव ने तो ये सुनाई या गीता के भगवान ने सुनाई कि बॉडी नश्वर है, आत्मा अमर है, बॉडी तो जाएगी जाएगी, इसलिए तुम आत्मा हो। अच्छा, अब कबूतर की बॉडी रूप में कबूतर अमर हो गया। अगर कहा जाता, वैसे तो ये भी गलत है, कबूतर की आत्मा अमर हो गई, तो कम से कम कबूतर सुन रहा था उसकी आत्मा अमर होती। अमर का मतलब भी है कि कौन परमात्मा कहता है, मैं परमात्मा हूँ, मैं अमर हूँ, तुम आत्मा अमर हो, शरीर तो नश्वर है। अब कबूतर के रूप में अमर दिखाना, और आज तक भी वो कबूतर दिखाते हैं। हमारे ब्रह्मा बाबा वहाँ गए थे, उस वक्त ज्वेलर थे, ज्ञान शुरू नहीं हुआ था, तो उन्होंने वहाँ जो आदमी था उससे पूछा कि भाई ये जो शिवलिंग है अपने आप बन जाता है? तो कहते जी नहीं, बर्फ गिरती है, शेप उसको हम देते हैं। अच्छा, खैर, फिर उन्होंने पूछा ये कबूतर जो है सचमुच अमर है? उसने कहा नहीं जी, जो प्राणा मर जाता है तो हम नया ले आते हैं। ब्रह्मा बाबा ने हमें खुद बताया था। लेकिन भावना वाला व्यक्ति जो है वो ये भी नहीं सोचता। आजकल साइंस के ज़माने में भी कुछ समय पहले आपको पता है कि बॉडीज को प्रिजर्व करने लगे थे, तो ऐसा दिन आएगा साइंस इतनी तरक्की कर जाए कि आप जीवित हो जाएंगे। फिर लोगों ने सोचा कि बॉडी की क्या ज़रूरत है, गर्दन ही प्रिजर्व कर लो। फिर उन्होंने गर्दन को प्रिजर्व करना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा ऐसा युग, अगर एडवांस युग आता है मैं तो उसमें एंटीक लगूंगा, अगर मैं जिंदा भी हूँ। फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। इसी प्रकार का हिसाब है कि अगर आप अमर भी होना है तो पहली बात तो पार्वती तो अमर थी, उसको सुनाने का सवाल ही नहीं। और फिर वही बात आती है कि शिव ने क्या एक आत्मा को, पार्वती ही सही, उसको अमर कथा सुनाई, या इससे क्या सारी दुनिया के अंदर मृत्यु लोक समाप्त हो गया? तो कितने सारे सवाल इसमें पैदा हो जाते हैं जी। तो इससे ये पता चलता है कि जो ऑलरेडी देवी का रूप हम देख रहे हैं कि क्या वो पहले से अमर नहीं थी, तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बट ये संकेत मात्र है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या पार्वती ने अमर कथा को सुनकर बाद में अमर बनी, बाद में वो पार्वती बनी, या पहले ही सी पार्वती थी, पहले देवी नहीं थी, फिर बाद में वो देवी बनी?
तो नेचुरली पार्वती तो कहलाती ही देवी, और का उससे पूर्व का रूप भी नहीं है। आप गौर से ये देखिए कि पार्वती किस चीज़ का संकेत है, तो आप देखेंगे कि आत्मा को भी पार्वती कहा जाता है कि भगवान और आत्मा है। तो पार्वती का अर्थ है, प्लूरल में ले ले पार्वतियाँ, जैसे अर्जुन का अर्थ है वो सिंबॉलिक है क्योंकि उसको बयान करने के लिए कहा जाता है। मैं तो ये सोच रहा था हम और आप ये जो डायलॉग कर रहे हैं ये भी एक तरीका है सारे ज्ञान को आपस में बात करके लोगों को समझाने का। तो डायलॉग मटेरियल नहीं है, हम जो लोग उसमें बता रहे हैं वो मटेरियल है, उससे सारी पिक्चर आती है। तो आत्मा रूपी पार्वती को परमात्मा रूपी शिव ने ज्ञान दिया, उस हिसाब से तो बैठता है, क्योंकि पार्वती भी पार्वती के शारीरिक रूप में तो अमर नहीं हुई होगी। और जो भगवान ने अमर का डेफिनेशन दिया है वो भी ये नहीं है कि देवता अमर थे और अमर लोक के वासी हो गए, कि देवता अपने अपने शरीर में एटर्नल हो गए, नहीं। उसका भाव ये है कि मर और अमर, अर्थात कोई भी चीज अगर प्री मैच्योर डिस्ट्रॉय होती है उसका व्यक्ति को दुख होता है। तो हम कहेंगे अपनी आयु से पहले जिसको कहा जाता अकाल मृत्यु हो जाती है किसी की, या मैं शर्ट ही सिलाता हूँ अगले दिन फट जाती है, तो फाड़ देता है तो मुझे दुख होता है। अगर मेरी शर्ट ने 4 साल चलना है, आजकल तो फैशन का जमाना है लेकिन प्रैक्टिकली चलना है, तो 4 साल से पहले ही मैं खुद किसी को डिस्कार्ड करके दे दूंगा, तो इसकी आयु पूरी हो गई है ना। शरीर भी आखिरकार क्यों चेंज करते हैं लोग, इसलिए उसकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम इतने तक चलती है। दुनिया के अंदर भी है, कोई ब्रिज बनता है उसकी आयु गिनी जाती है, उसके बाद उसको कहा जाता है इसको दोबारा बनाओ, आजकल के ज़माने में रीअसेस करके 2-4 साल आयु बढ़ा देते हैं। मकान भी अगर गिरने वाला हो तो म्यूनसिपैलिटी डिस्ट्रॉय कर देती। तो कहने का भाव ये है अमर का मतलब ये नहीं है, अगर अमर कथा सुनाई थी परमात्मा ने, चाहे वो पार्वती थी चाहे श्री कृष्ण जी थे या नारायण जी थे, वो अमर ही हो गए। उसका भाव ये है अपनी पूरी आयु उन्होंने पाई और उसके बीच में उनका कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। उस अर्थ से भी आप देखेंगे अमर कथा डज नॉट मीन के पार्वती अमर हो गई, बल्कि आत्माओं और परमात्मा की बात है। और परमात्मा जब अमर कथा सुनाते तो एक को नहीं सुनाते, तो जैसे अर्जुन सिंबॉलिक है ऐसे पार्वती सिंबॉलिक है। अब क्योंकि लोगों ने पशु योनियों में भी पंछी योनियों में भी आत्मा को मान लिया है, इसलिए बता दिए कि वो भी हम तो एक प्रकार का अंधविश्वास हो गया जी। जब आप ये बात कह रहे थे तो एक प्रश्न उठता है, क्या ये अमर कथा अलग थी, क्या ये गीता का ज्ञान अलग था? अगर ये सब दोनों अलग अलग हैं तो फिर जो निराकार गीता का भगवान है वह कौन है, ये प्रश्न उठता है। देखिए इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पैदा होती है। एक तो ये है कि शिव ने सुनाई, और जहाँ शिव की जो प्रतिमा है, पार्वती को तो शरीरधारी दिखाया गया, कबूतर को भी शरीरधारी दिखाया गया, वो प्रतिमा शरीरधारी की नहीं है, वहाँ कौन सी शिव की प्रतिमा है, निराकार की है। तो उससे साबित होता है कि निराकार शिव ने ही अमर कथा सुनाई थी और उन्होंने शंकर जी को बना लिया है कि शंकर जी ही शिव थे और इसलिए उन्होंने वो रूप रखा। लेकिन अगर शंकर जी ने भी सुनाई होती, कहीं कृष्ण जी को कह दिया कहीं शंकर जी को, तो शंकर की मूर्ति होनी चाहिए। नंबर टू, ये शिव अमरनाथ का मंदिर आइसोलेटेड नहीं है, भारत के अंदर उसी शिव के अनेक मंदिर हैं और सबके साथ कोई नाम जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और उससे आपको हिंट मिलेगा उस एक शिव को मिस गुम करने के कारण से मनुष्यों को क्या कुछ बताना पड़ा, और तब भी गीता के ऊपर शिव का नाम नहीं डालते। वंडरफुल बात, ये बहुत गहरी बात है। आप देखिए शिव को वहां तो अमरनाथ कहा गया, सोमनाथ कहा गया, अब शिव ने वहां भी शिव का निराकार का मंदिर है, चाहे उस वक्त कहते हैं हीरे का होता था, सेल्फ ल्यूमिनस था, अच्छा मोहम्मद गजनवी ले गया सोमनाथ, अब वो सोम क्या है, और सोम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, अर्थात उसने ज्ञान अमृत पिलाया, गीता ज्ञान सोम रस पिलाया, वो भी कहा जाता है कि देवता ही पीते हैं। फिर आगे चलिए महाकाल
का मंदिर है शिव का, तो ये सारे शिव के भिन्न भिन्न कर्तव्यों के नाम के शिव मंदिर हैं। एक जगह तो रामेश्वर का मंदिर है कि राम जी के भी ईश्वर हैं, हैं? और रामायण में कहा गया है शिव द्रोही मम दास कहावा। अब क्या बात है कि देवताओं के भी ईश्वर हैं, पार्वती के भी ईश्वर हैं, गोपेश्वर का भी मंदिर है वृंदावन में, फिर आप देखेंगे विश्वनाथ का मंदिर है, अनेक प्रकार के मंदिर हैं। अच्छा, अब इसका लिंक क्या है? तब आपको पता लगेगा कि वो जो गीता का ज्ञान भगवान ने सुनाया था लिपि के रूप में, बुक के रूप में इस तरह अवेलेबल है, और उसके सार के रूप में सोमनाथ का अवेलेबल है, वहाँ पार्वती को कथा सुनाई इस प्रकार से अवेलेबल है, रामेश्वर है, गोपेश्वर है, विश्वनाथ है अर्थात विश्व का नाथ बनाने वाला है। जितने भी मंदिर हैं सब कर्तव्यवाचक हैं, और भारत में ही, ये तो विदेश में भी पाए जाते हैं। तो ये गहरी बात है कि हमने कहीं किसी रूप में, अब पार्वती अलग नहीं है, सीता भी इसी प्रकार से अलग नहीं है, एक प्रकार से देखा जाए कि आत्मा रूपी सीता को परमात्मा रूपी राम ने उद्धार किया, जेल से छुड़ाया। अच्छा, इसको भी अगर आप देखेंगे तो पता लगता है राम के लिए वैसे ही कहते हैं चार राम होते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट पे बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, तो कौन से राम की बात हो रही है? इसलिए आपको पता लगेगा कि पूरा चेन है, और भगवान आके संकेत करते हैं, कहते हैं अगर मैं वैसे ही आ जाऊं और साधारण तन में मुझे आना है तो कौन मानेगा कि भगवान आ गया? पहले भी साधारण तन में कोटों में कोई पहचान रहा है, ज्ञान सुना रहा है, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं मानते, तो कोई चिन्ह रखे जाते हैं ताकि उससे पिकअप हो। तो ये गीता शास्त्र भी एक चिन्ह है, अमरनाथ का मंदिर भी एक चिन्ह। जैसे गीता के ज्ञान को हम सुनते हैं, ये पता चल रहा है कि अमर कथा और गीता में जो बात कही जा रही है वो दोनों सिमिलर हैं, दोनों मिलती जुलती हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ लेने से व्यक्ति मृत्यु से दूर हो जाता है। जैसे अमर कथा की बात, क्योंकि हम अमर कथा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, और हम सुनते तो आए हैं कि शिव ने अमर कथा सुनाई, और ये जो हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, बहुत बार प्रश्न उठते हैं, क्या इतना सिंपल है, क्या इतनी सी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इतना समझ लेने से ये कथा का सार है? देखिए, एक होता है ज्ञान रखना, उससे व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति हैं उनको आप समझा देंगे वो मान लेंगे मैं आत्मा हूँ, अच्छी तरह समझ जाएंगे, ना उनको मृत्यु के भय का ख़त्म होगा, ना उनका लोभ ख़त्म होगा, ना विनाशी चीज़ों के लिए उनकी उत्कंठा ख़त्म होगी, वो विनाशी चीज़ों के ग्रहण करते रहेंगे, तो वो ज्ञान कहाँ गया? क्योंकि अगर आपने अमर कथा गायब कर दी और ये सुना दी कि किसने सुनाई थी और किसने सुनी थी, और उसका जो रूप दिखाया वो भी विनाशी चीज़ों के रूप में दिखा दिया, और केवल सुनाने वाले को शारीरिक रूप में नहीं दिखाया, और उसकी जगह भी शंकर जी को जोड़ दिया, तो बताइए आप किसी को कोई कह दे तेरे अंदर आत्मा, वो तो लोग पहले ही जानते हैं, लेकिन क्या कुछ सुना हुआ है? आत्मा पशु योनियों में जाती है, आत्मा को पाप नहीं लगता, आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा सब में व्यापक है, और मेरे शरीर में भी आत्मा है, मुर्दे में भी आत्मा है। उस आत्मा के इर्द गिर्द जो अज्ञान है, पहले तो उसको समाप्त करें, फिर उसका रियलाइजेशन हो। ये नहीं कि सुन लिया मेरे अंदर आत्मा है, मैं आत्मा बन के चलूं, आत्मा बन के दूसरे को देखूं, उसको भी आत्मा देखूं, केवल मैं आत्मा नहीं हूं, और मेरे अंदर उसके बारे में कोई ईर्ष्या द्वेष इस प्रकार की चीज़ ना आए। क्योंकि शरीर को देखेंगे तो आएगा, ये आदमी देखो धनवान, कारों में घूमता है, मैं ऐसे घूमता हूँ, तो फर्क पड़ेगा ना। तो आत्मा की क्वालिटीज क्या है? तो हो सकता है मैं पैदल चलने वाले की आत्मा श्रेष्ठ हो, और कार में घूमने वाले ने पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा किया, और डर रहा हो कि कहीं मेरे को पहचान ना ले, नाम बदल के जी रहा हो। इसलिए ये गहरी बात है, बेसिक बात ये आत्मस्वरूप में स्थित होना, तब व्यक्ति को आत्मस्वरूप के लाभ होगा, फिर वो परमात्मा से भी जो मिलना है ले सकेगा। मैं मान लो मैं आत्मा हूँ, पर परमात्मा में श्री कृष्ण को ही मानो, मोटी बात ले लीजिए, गीता का यही तो गड़बड़ है, सारा ज्ञान आत्मा का, तुम आत्मा मैं आत्मा परमात्मा,
और स्वरूप श्री कृष्ण का तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, इससे क्या फल मिलेगा आपको जी। बल्कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैंने जो कुछ बताया गया वो कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसकी प्राप्ति नहीं है। हमारा देश कहा जाता है अध्यात्म प्रधान था, विश्व का गुरु था, इत्यादि इत्यादि, और इसके इतने सारे यादगार हैं, हर तरफ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लोग देखने आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि भाई इस हम लोग इसको ना जानते हो भी हम तो कुछ खुश हैं, ये लोग तो आपस में ही करते रहते भगवान तेरे में है या मेरे में है, तो इन्होंने पाया क्या। इसलिए कोई गलत किसी चीज़ का ठीक उपयोग ना करे तो वो और खतरनाक होता जी। इससे तो ना उपयोग करना अच्छा। ये बातें सुनकर ये स्पष्ट हो रहा है कि गीता में जो ज्ञान है वही अमर कथा है, और गीता के परमात्मा जो हैं वही शिव हैं, वही निराकार परमात्मा है। क्योंकि गीता पढ़ने पर अगर आप श्री कृष्ण को परमात्मा मान लेते हैं तो फिर आत्मा का ज्ञान ही फिट नहीं बैठता। जब परमात्मा गीता में कहते हैं कि तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा, वो कह रहे हैं कि तुम आत्मा, तुम भी आत्मा हो, हम कह रहे नहीं आप शरीर हो, भगवान ही शरीर है, तो कैसी वंडरफुल बात जी। परमात्मा आपको अपना परिचय करा रहे हैं कि तुम आत्मा हो और हम कह रहे नहीं परमात्मा तुम शरीर हो। बिल्कुल, ये बड़ी मजेदार बात है कि कितनी ऐसी विरोधाभासी बातें अक्सर हम लोग देख लेते हैं। क्या श्री कृष्ण शरीर में है? नहीं, परमात्मा तो शाश्वत तो है जी। अच्छा, कबूतर शाश्वत तो हो गया, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई थे भगवान और नहीं है, तो फिर उसको कैसे समझा जाए। और अगर वैसे भी कोई कह दे कि परमात्मा थोड़ी देर के लिए आते हैं और उससे पहले कहाँ थे और उसके बाद कहाँ, ये ना पता हो तो भी व्यक्ति परमात्मा को भी, उसके काल थोड़ा है उसको भी विनाशी मान लेगा। इसमें टोटल कॉन्सेप्ट सामने आएगा तब व्यक्ति समझ। बिल्कुल, एक सही समझ ले आने की जरूरत है। और कितनी सिमिलैरिटीज हम अमर कथा में और गीता में देखते हैं। गीता का भगवान भी निराकार है और शिव को निराकार कहा जाता है, जिसने अमर कथा सुनाई उसकी यादगार भी देखने को मिलती है। आज के एपिसोड में बड़ी सुंदर चर्चाएं हुई हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारे मनों में जो डाउट था, जो एक ऐसा प्रश्न रहा होगा, उसके लिए सॉल्यूशन मिला होगा। आज आप समय निकालकर स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। परमात्मा से जो प्रार्थना की जाती है दोस्तों, कि हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, और जहाँ पर परमात्मा ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया है और हमारी प्रार्थना को सुनकर परमात्मा ने वो दिव्य कर्तव्य किए हैं जहाँ से हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले गए हैं, और ये काम कैसे किया है, यही चीज़ गीता में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि मैं आता हूँ वापस तुम सबको तुम्हारा सत्य परिचय देने कि तुम आत्मा हो, तुम अमर हो, ये शरीर विनाशी है। परमात्मा जो ये बताने वाला है वो स्वयं भी निराकार है, वह परम आत्मा है, उसका अपना शरीर नहीं है। और इसी के यादगार में अमरनाथ में हम शिव को निराकार की प्रतिमा के रूप में पूजते हैं। पूरे भारतवर्ष में अनेकों यादगार हैं। चिंतन का विषय है। मैं समझता हूँ आपके लिए भी मन में कोई नए ख्याल जरूर आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।